नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका इस डिफेंस सेगमेंट में। और इस डिफेंस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किए गए नए डिस्ट्रॉयर के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये नेवल टर्म डिस्ट्रॉयर होता क्या है। तो बेसिकली डिस्ट्रॉयर एक फास्ट मनूवरेबल लॉन्ग एंड्योरेंस वॉरशिप होते हैं, जिसे स्पेशली बनाया गया होता है एस्कॉर्ट करने के लिए बड़े बड़े फ्लीट और कॉन्वॉय को, या फिर बैटल के दौरान एक बैटल ग्रुप को लीड करने के लिए ये डिस्ट्रॉयर्स पर्टिकुलरली बनाए गए होते हैं, जो कि किसी भी कॉन्वॉय और फ्लीट को सेफ करते हैं और सेफ रखते हैं स्मॉल पावरफुल शॉर्ट रेंज अटैकर्स से। और इसका डेवलपमेंट 19वीं सदी के शुरू में किया गया था। अब बात कर लेते हैं इंडिया के विशाखापट्टनम क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स के बारे में, जिसे प्रोजेक्ट 15B के नाम से भी बताया जा रहा है। और इस क्लास में तकरीबन 4 डिस्ट्रॉयर बनाए जाने थे, जिसमें से INS विशाखापट्टनम, INS मोरमुगाव, INS इम्फाल और INS पोरबंदर, ये 4 डिस्ट्रॉयर्स हैं जिसे माजागांव डॉक लिमिटेड बना रही है, MDL बना रही है। और ऐसी उम्मीद है कि 2020 के मिड या फिर अंत तक इस क्लास का डिस्ट्रॉयर अपनी सर्विस में आ जाएगा। जैसा कि आप लोगों को बता दूं, ये प्रोजेक्ट 15B प्रोजेक्ट 15A का ही सक्सेसर है, जो कि कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स थे इंडिया के पास। और प्रोजेक्ट 15B को डेवलप करने के लिए 2011 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने CCS ने अपनी अनुमति दी थी, जिसके अंतर्गत 4 डिस्ट्रॉयर बनाए जाने थे, जो कि कोलकाता क्लास के बेसिक फीचर को लेके ही अपकमिंग एडवांस नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी अपने आप में इंप्लीमेंट करने वाला था और स्टेल्थ होना इसका मुख्य पार्ट था। वैसे कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स और विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इनका जो हल्का बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज है और इसके अंदर दिए गए इंटरनल फिटमेंट्स उनमें भी काफ़ी डिफरेंस है इन दोनों क्लास में। अब बात कर लेते हैं कि इसका टाइमलाइन क्या है। तो इसका जो INS विशाखापट्टनम है वो 2015 में लॉन्च कर दिया गया था अप्रैल में, और ऐसी उम्मीद है कि 2021 या फिर 2020 के एंड तक INS विशाखापट्टनम कमीशन कर लिया जाएगा इंडियन नेवी में। वहीं पे INS मोरमुगाव, जिसे 2016 में लॉन्च कर दिया गया था, और ऐसी उम्मीद है कि 2022 या फिर 2021 के मिड तक इसे भी कमीशन कर लिया जाएगा इंडियन नेवी में। जहां तक बात है INS इम्फाल की, जो कि आज ही लॉन्च किया गया है 20 अप्रैल को, और ऐसी उम्मीद है कि 2022 के एंड तक इसे भी इंडियन नेवी में कमीशन कर लिया जाएगा। और जहां तक बात है INS पोरबंदर की, तो ऐसी उम्मीद है कि 2020 के जनवरी तक इसे लॉन्च कर दिया जाएगा, और ऐसी उम्मीद है कि 2024 तक इसे भी इंडक्ट कर लिया जाएगा इंडियन नेवी में। अब बात कर लेते हैं कि इन डिस्ट्रॉयर्स में ऐसे क्या क्या खासियत हैं जो कि इन्हें एडवांस और इम्प्रूव्ड बनाती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डेक की। तो इन डिस्ट्रॉयर के जो डेक्स बनाए गए हैं वो काफ़ी स्लीक बनाए गए हैं, जिसमें यूज किया गया है फ्लश डेक टेक्नोलॉजी का, जो कि हेल्प करेगा दुश्मन के रडार के ऊपर जो सिग्नेचर्स हैं वो कम प्रोड्यूस करने में। और इसमें लगने जा रहा है इंडिया का स्टेट ऑफ आर्ट सेंसर टेक्नोलॉजी पैकेज, जो कि इसको विश्व के बाकी सभी डिस्ट्रॉयर से कंपेरेबल और टेक्निकली एडवांस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर बनाएगा। और इसमें तकरीबन 70% के आसपास इंडिजिनस कंटेंट है, जो कि अपने आप में इंडिया का सेल्फ रिलायंस दर्शाता है। इन डिस्ट्रॉयर्स में जगह है तकरीबन 350 क्रू मेंबर के एडजस्ट होने की, जिसमें से 50 ऑफिसर्स होंगे, 250 सेलर्स होंगे। इन डिस्ट्रॉयर्स पे लगे हैं एडवांस रेडार सिस्टम, और उसके साथ ही मल्टीपल फायर जोन दिए गए हैं, जहां से ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के टॉर्पीडो, सर्विस टू एयर मिसाइल और एंटी सबमरीन वेपन्स फायर करने में कैपेबल होंगे। और किसी भी इमरजेंट कंडीशन में इसको प्रोएक्टिव बनाने के लिए इसमें दिया गया है बैटल डैमेज कंट्रोल सिस्टम, और उसके साथ ही दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशनल पावर सिस्टम। और इसमें एक और स्पेशल चीज दी गई है, उसका नाम है टोटल एटमोस्फेरिक कंट्रोल सिस्टम, जो कि हेल्प करेगा ऑफिसर्स और सेलर्स को किसी भी केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर थ्रेट से बचाने में। अब बात कर लेते हैं इसके कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम की, जिसके बारे में हमने डिटेल में बात की हुई है। आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। तो इसमें लगाया जा रहा है इंडिया का इंडिजिनस कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हेल्प करेगा डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन को एसेस करने में, और दुश्मन की तरफ से किस प्रकार का थ्रेट आ सकता है और उन थ्रेट को काउंटर करने के लिए कौन कौन से प्रकार के वेपन चाहिए होंगे, उन सभी पॉसिबिलिटी को कैलकुलेट करेगा ये CMS सिस्टम। अब बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट 15B के वेपन सिस्टम की, इसमें कौन कौन से वेपन और लगाए गए हैं। इस शिप का जो प्राइमरी फायर मिसाइल है वो बराक 8 है, जो कि एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, और उसके साथ ही इस पे डिप्लॉय किया जाएगा ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल, जो कि एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है। वो किसी भी टी बेस्ड टारगेट को या फिर सरफेस पे किसी भी टारगेट को इंगेज करने में सक्षम होगा। इसमें 2 16 सेल के लॉन्चर्स दिए गए हैं, जो कि तकरीबन 32 बराक 8 मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम होंगे, और जबकि वहीं पे इसमें 2 8 सेल वाले यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्चर्स भी दिए गए हैं, जो कि कैपेबल होंगे तकरीबन 16 ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च करने में। और इसके फॉरवर्ड डेक पे लगाया गया है 127mm का मेन गन, जबकि इस वेसल पे लगा होगा 4 AK-630 गन, जो कि एक 30mm गन है, जो कि हेल्प करेगा इसको किसी भी क्लोज पॉइंट डिफेंस में इंगेज होने में। और इस डिस्ट्रॉयर पे लगाया जा रहा है इंडिया का इंडिजिनस 533mm टॉर्पीडो लॉन्चर, और उसके साथ ही इस पे लगा होगा RBU-6000, जो कि एक एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर है। अब बात कर लेते हैं इस तरह के डिस्ट्रॉयर्स पे
हेलीकॉप्टर्स का होना बहुत जरूरी होता है, स्पेशली सबमरीन किलर हेलीकॉप्टर्स। तो देख लेते हैं कि इस पे हेलीकॉप्टर के लिए कितनी जगह है। तो इंडिया के इन डिस्ट्रॉयर्स पे डिप्लॉय किए गए होंगे 2 मल्टी रोल रोडर क्राफ्ट, जिसमें इंडियन नेवी द्वारा इंडक्ट किए जाने वाले जो MS-60 है उनको भी इंक्लूड करने की प्लानिंग चल रही है। उसके साथ ही इस पे डिप्लॉय किया जाएगा इंडिया का इंडिजिनस हेल द्वारा निर्मित ध्रुव हेलीकॉप्टर। अब बात कर लेते हैं इन डिस्ट्रॉयर्स में लगाए गए प्रोपल्शन सिस्टम की, किस तरह का प्रोपल्शन सिस्टम यूज करता है ये। तो इस शिप में यूज किया जा रहा है कंबाइंड गैस एंड गैस COGAG गैस टर्बाइन, जो कि 4 गैस टर्बाइन के इंटीग्रेशन से मिलकर बना होता है। और इतना ही नहीं, इसके पावर प्लांट में इंक्लूड किए गए हैं 2 डीजल इंजन और उसके साथ ही 4 जनरेटर सेट भी इंक्लूड किए गए हैं। और इसका प्रोपल्शन सिस्टम इस तरह का है कि जो इसको अलाउ करता है कि वो तकरीबन 30 नॉट की स्पीड अचीव कर पाए, और इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 4000 नॉटिकल माइल की है। और जहां तक बात है इंडिया द्वारा डेवलप किए गए निर्भय क्रूज मिसाइल की, तो ऐसी उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में निर्भय क्रूज मिसाइल के डेवलप होने के बाद निर्भय क्रूज मिसाइल को भी इन डिस्ट्रॉयर्स पे डिप्लॉय किया जाएगा, जो कि एक तरह से इन डिस्ट्रॉयर्स की क्षमता में और इजाफा करने वाला है। तो बेसिकली इंडिया के किसी भी कॉन्वॉय या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर को एस्कॉर्ट करने की कैपेबिलिटी के हिसाब से ये डिस्ट्रॉयर्स अपने आप में एडवांस होने वाले हैं। और ये डिस्ट्रॉयर्स इंडियन ओशियन रीजन में इंडियन नेवी की जो ताकत है उसको बनाए रखने वाले हैं, जिसकी वजह से दुश्मन भी इस तरह के नेवी से इंगेज करने में 2 बार जरूर सोचेगा। तो इस बारे में आप लोगों को क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। वीडियो अच्छी लगी गिव अस अ लाइक, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।